चीज बैग आर्केटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है गाइज। राजस्थान सरकार ने बड़ा ही फैसला लिया है, बड़ी ही होशियारी दिखाई है कोरोना वायरस से बचने के लिए। इसमें जगह जगह पर शिविर लगाया गया है राज के चिकित्सालय के अंदर और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अंदर। हमारे ग्राम पोस्ट कटराथल जिला सीकर राजस्थान ग्राम पंचायत दौलतपुरा में राजकीय चिकित्सालय में आयुर्वेदिक शिविर लगाया गया है, जिसमें देसी काढ़ा जड़ी बूटियों से तैयार किया गया काढ़ा पिलाया जा रहा है, वो भी फ्री के अंदर। और सब कुछ हम आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गाइज, जिसमें एक देसी काढ़ा बच्चों को कितना पिलाया जाता है, बुजुर्ग को कितना पिलाया जाता है, महिला को कितना पिलाया जाता है, उम्र के हिसाब से कितना पिलाया जाता है, उस सभी राय पर हम डॉक्टर से डिस्कस करने वाले हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से हम सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे गाइज। अजीज बेग आर्केटेक यूट्यूब चैनल पे पेटीएम गिवे चल रहा है, गिवे विनर लास्ट वीडियो के एंड में निकाला जाएगा गाइस। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, आपको पेटीएम नंबर के साथ में कमेंट करना है और अच्छा से कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑल को दबा के रखना है। जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको गाइस सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। राजकीय ग्राम पोस्ट कटराथल दौलतपुरा में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में काढ़ा तैयार किया जा रहा है। इस काढ़े को कई जड़ी बूटियों से तैयार किया जा रहा है महिला द्वारा, और कोरोना वायरस के बचने के उपाय के लिए ये काढ़ा तैयार किया जा रहा है। इसमें महिला भी शामिल है, नौजवान भी शामिल है, गाँव के लोग भी शामिल है, और बड़ी आसानी से काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। आप दोस्त इसको दवाई के ग्राम पोस्ट कटराथल दौलतपुरा चिकित्सालय में शिविर लगा हुआ है, गांव वालों ने हेल्प कर रहे हैं काढ़ा पिलाने के लिए, घाल रहे हैं गिलास के अंदर और लोगों को पकड़ा रहे हैं कि ये पीने से कोरोना वायरस भाग जाता है। इसमें मतलब काफ़ी गांव में भीड़ लगी हुई है और छोटे बड़े बच्चे बड़े महिला इसमें भागीदारी निभा रही है और सभी गांव वाले आमंत्रित हो रहे हैं और इसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं जूस काढ़ा पिलाने के लिए, और आ रहे हैं सभी लोग काढ़ा पीने के लिए और काफ़ी भीड़ लगी हुई है और समर्थन सबका सपोर्ट है गांव वालों का कि जितने भी ज़िले हैं सब में शिविर लगा हुआ है, ग्राम में भी गांवों में भी यह शिविर लगाया गया है, सभी गांव और ज़िले में यह शिविर लगाया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, और इसमें कोरोना वायरस को भगाने के लिए ही है। जो कोरोना का काढ़ा पी रहे हैं और उसमें आपको नाम दर्ज करवाना होगा आपको, और मोबाइल नंबर के साथ में आपको बताना होगा, रजिस्टर में रिकॉर्ड करवाना होगा, और इसमें कुल कितने भाई ने बुजुर्ग ने महिला ने बच्चों ने काढ़ा पिया है, इन सभी को डिटेल निकल जाएगी कितने लोगों को हमने काढ़ा पिलाया है, इसलिए रजिस्टर में नोट कर रहे हैं। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो भी ट्विटर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। कोरोना वायरस के बचने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। हमारा चैनल का उद्देश्य है गलत क्लिक को एक्टिविटी को बढ़ावा देने का नहीं है, हमारे चैनल का उद्देश्य है सही जानकारी देने के लिए।
जड़ी बूटियों से काढ़ा तैयार किया जाता है, कितनी प्रकार की जड़ी बूटियों इस्तेमाल की जाती है काढ़े के अंदर कोरोना वायरस को भगाने के लिए, कितना काढ़ा पीना चाहिए बच्चों को, कितना महिला को काढ़ा पीना चाहिए, कितना बुजुर्ग को पीना चाहिए, इन सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर से। और हमने आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, आपको बताएंगे डॉक्टर कि इसका के कौन कौन सी जड़ी बूटी है जिससे काढ़ा तैयार किया जाता है और इसमें क्या कैसे बनाया जाता है। इन सभी पर आपको डॉक्टर ये रिपोर्ट देखिए आप। जो कि मोस्ट बीमारियों के प्रकोप के लिए दिया जाता है, इसमें 10 लोग 10 लोग बाद योजनादी बाद वासनेस में जोर अनुपात मुस्तकादी बाद, जिसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ जड़ी बूटियाँ हैं। जैसे 10 मूल पात में दिया जाए तो वृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, साल पढ़नी, पुष्प पढ़नी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू इत्यादि। और इसके अलावा उसमें दिया जाए तो बिलु, अग्निपाद, पाटना, सोनाथ, गंभारी आदि, गोजीवा दिखवात। इसके अलावा यहाँ नीमगिलोय, तुलसी के पत्र, अड़ूसा जिसको वासा बोलते हैं उसको, और ये पसरी कटे पसर कटेरी, ये औषधियाँ, इन तमाम औषधियों को मिला के और विशेष रूप से आयुर्वेद विभाग द्वारा निर्धारित जो औषधियों का समूह है वो उपलब्ध करवाए जाने के बाद इन सबको मिला के और गुड़ गुड़ प्रक्षेप रूप द्रव्य के रूप में मिला के और इन सब से ये काढ़ा तैयार किया गया। छोटे बच्चों के लिए इसकी मात्रा है वो 15 ml है और बड़ों के लिए 30 ml की मात्रा है, वो पर्याप्त है। घी वे विनर निकालने के लिए हम कमेंट रैंडम के पिकर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर वीडियो का लिंक कॉपी कर देते हैं, जिसको मिलेगा 10 रुपये का पेटीएम कैश। गाइस ऐसा है तो विनर निकाल लेते हैं, कितना कमेंट मिला है। कमेंट मिला है यह है 7 कमेंट है, 11 कमेंट मिला है। अब हम चूज़ कर लेते हैं किसको पेटीएम मिलेगा। पेटीएम गिव अवे, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल नोटिफिकेशन के साथ में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फेसबुक व्हाट्सएप पर, तभी आप पेटीएम गिवे ले सकते हो। मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस किसकी किस्मत जागने वाली है वो सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। नाइस वीडियो। तो भाई इस भाई ने पेटीएम नंबर नहीं दिया है तो मैं दूसरा विनर निकाल लेता हूँ। गाइस दूसरी विनर निकालने के लिए स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक, मैंने क्लिक कर दिया है, अभी दूसरा विनर निकलेगा। दूसरा विनर है इस भाई का है दीपक अनमोल, इसका पेटीएम नंबर कॉपी कर लेते हैं। पेटीएम नंबर कॉपी करने के लिए चले आइए मोबाइल की मतलब पेटीएम में चलते हैं। तो दोस्त आप नंबर देख सकते हो 7626823571 पेटीएम नंबर है इस भाई का। अब इसको 10 रुपये का पेमेंट करना है तो पेमेंट कर देते हैं। तो गाइज हमने पेटीएम नंबर डाल दिया है, यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है, यहाँ पर मेरे चैनल का अजीज बेग आर्केटेक यूट्यूब चैनल नाम डाल दिया है, यहाँ पर 10 रुपये मैंने डाल दिया है। पेपे में क्लिक कर देता हूँ। पेपे क्लिक करते ही गाइज मैंने भाई को पेमेंट कर दिया है। पेमेंट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद हो, इसको 10 रुपये का पेटीएम मिल चुका है। आप भी ऐसा लेना चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखना, जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।